हेलो फ्रेंड्स, अक्षदीप किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉयल पोटैटो की चटनी। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 बॉयल पोटैटो, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर, थोड़े से करी पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। अभी हम तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा। अभी ये चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और लहसुन। इसे हम अच्छी तरह से अभी ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी लहसुन भी ब्राउन हो चुका है, हम इसमें अभी हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी प्याज भुनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से प्याज और टमाटर थोड़े जल्दी पक जाते हैं। अभी हमने इसमें यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका है, हम उसमें बॉईल किए हुए पोटैटो डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आलू की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। हम उसके ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल देंगे। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हो, पूरी के साथ या फिर दाल चावल के साथ, बहुत अच्छी लगती है और 5 मिनट में बन जाती है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।